नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुसाइड या खुदकुशी करना या खुद की जान लेना, यह एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। जब हर आदमी चाहता है कि मैंने जीना चाहिए, हर आदमी को 100 साल जीने की तमन्ना होती है, हर आदमी को ऐसा लगता है कि मैं जीऊँ, मैं लाइफ एंजॉय करूं, ऐसे विचार इंस्टिंक्चुअल है, जन्मजात है, और तभी भी वो खुद की जान क्यों लेता है? क्या ऐसा उसको लगता है कि अभी मेरे लिए सहन नहीं हो रहा है, अभी मैं कुछ फेस नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरे लिए जीना असंभव है और अभी खुदकुशी करना यही उसका एक उपचार बाकी है, ऐसा उसको क्यों लगने लगता है? काफ़ी सारी हाइपोथेसिस है कि आदमी सुसाइड क्यों करता है। इतना पक्का है कि डिप्रेशन ये बहुत प्रमुख कारण है सुसाइड करने का। 50%, मतलब जितनी भी सुसाइड हुई है उसमें से 50% लोगों को डिप्रेशन की बीमारी हुई, ऐसा पाया गया है अलग अलग स्टडीज में। फिर इसके अलावा फिर धंधे में लॉस होना, फिर पैसा बहुत बर्बाद हो जाना, गैम्बलिंग किया हुआ उसमें लॉस हो गया है, फेल हो गए, ऐसा लगता है कि अभी इसमें से उठ नहीं पाएंगे, पति पत्नी का झगड़ा हुआ है, अभी डिवोर्स तक बारी आ चुकी है, घर में शादीशुदा लड़की वापस आई हुई है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बार 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 एग्जाम में फेल हो रहे हैं, या कोई इलिसिट रिलेशनशिप ओपन हुई है, अनैतिक रिश्ता जो है वो ओपन हो गया, एक्सपोज हो गया है। कभी सारी ऐसी बातें रहती है कि जो लोगों को सुसाइड करने के लिए प्रवृत्त करती है। अभी अभी हमने कल अखबार में पढ़ा कि हमारे भारतीय अमेरिका में बसे हुए एक छोटी लड़की गैलरी में रोते रोते लोगों को नजर आई, लोगों ने देखा हुआ क्या, क्यों रो रही है, बाद में वहाँ जाके देखा फ्लैट में दोनों ने सुसाइड कर लिया था, माँ बाप ने। क्यों? क्योंकि उनका जॉब चले गया था, पैसे की तंगी थी, किराए के लिए पैसे नहीं थे फ्लैट के, अभी आगे कैसे करना समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने खुद को उड़ा लिया। मतलब काफ़ी सारी ऐसी बातें होती है। क्या होता है कि एकदम अचानक आदमी सुसाइड करता नहीं है, वो बहुत पहले हमें उसके इंडिकेशंस, हिंट्स या येलो अलर्ट्स देते रहता है। जैसे कि अभी मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, अभी लगता है कि ये जान ले लूँ, बहुत ही बोर लग रहा है, बोर्डम हो रहा है, या कभी बोलता है कि नहीं मेरे को बहुत रोना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, या मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, या अभी बहुत बड़ी निराशा है और होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा सहारा नहीं आएगा, ऐसे काफ़ी सारे वो पहले थ्रेट देता है। एक क्रॉनिक सुसाइड बोलते हैं, क्रॉनिक सुसाइड मतलब बहुत तेज गाड़ी चलाना, ऐसे कारनामे करना कि जिसमें आदमी मर सकता है, वो क्रॉनिक सुसाइड। बहुत तेज गाड़ी चलाना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करना, बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये भी तरीके होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना, ये भी तरीके होते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉनिक सुसाइड। कि आदमी सुसाइड की तरफ अलग अलग, मतलब धीरे 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 जा रहा है। 10 में से 9 सुसाइड, 10 लोग यदि सुसाइड करते हैं तो 9 लोगों ने पहले कुछ ना कुछ इंडिमेशन दी रहती है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ या मरने वाला हूँ, और ज़्यादातर सभी लोगों ने मतलब पहले बोला ही रहता है कि नहीं मैं मरने वाला हूँ या अटेम्प्ट किया है, मतलब। और 10 में से 9 लोगों ने, उसमें और एक है, 10 में से 9 लोगों ने पहले अटेम्प्ट किया रहता है, अटेम्प्ट किया रहता मतलब कुछ ना कुछ कोशिश की रहती है, कोई थोड़ी सी गोली खा ली, थोड़ा ऊंचाई पे चले गए हाइट पे, या थ्रेट दिया है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ ना कुछ पहले अटेम्प्ट किया रहता है। ऐसा बोला जाता है कि 1:3 रिलेशनशिप है सुसाइड का, मेल टू फीमेल, कुछ स्टडी जैसी बताती है कि एक आदमी सुसाइड करता है तो 3 औरतें सुसाइड करती है। औरतों का सुसाइड करना डाउरी का बहुत बड़ा कारण है, ससुराल जाती है शादी होने के बाद में, वहाँ कोपअप नहीं कर पाती, नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नया वातावरण, नए संस्कार, डिमांड्स बहुत समझो ज़्यादा होती होंगी, तो इंटरकास्ट मैरिजेस उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, इंटर रिलीजियस मैरिजेस उसमें एडजस्ट नहीं पाते, जैसे काफ़ी सारे लक्षण रहते हैं कि जो ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। सुसाइड के तरीके जो है उसमें से ज़्यादा तरीके जो है वो डिपेंड्स कि आप कहाँ हो, जैसे देहातों में पॉइजनस, मतलब जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस रहते हैं खेती के काम में जो भी आते हैं वो सब ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स वो ज़्यादा रहते हैं, फिर गले को फांसी लगा लेना ये एक रहता है, गोलियां खा लेना, गोलियां ज़्यादा लोगों को अवेलेबल नहीं होती मगर गोलियां खाना,
पानी में डूब जाना, कूदना पानी में, तालाब में, बावड़े में कूदना, तो ऐसे अलग, या रेलवे ट्रैक के नीचे ले जाना, रेलवे के नीचे ले जाना, तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग तरीके सुसाइड के होते हैं और ये तरीके लोग अपना कर अपनी जीवन यात्रा ख़त्म करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सुसाइड जो लोग करते हैं वो लोगों में केमिकल इम्बैलेंस होता है, मतलब सेरोटोनिन डोपामिन लेवल्स जो है इनकी मात्रा है दिमाग में बहुत कम हो जाती है और उसकी वजह से ये सुसाइड करते हैं, और एक डिप्रेशन का वो पार्ट भी हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि लोगों को क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसा कैंसर हो चुका है, मालूम है कि अभी मरने वाला हूँ 6-8 महीने में, साल भर में, तो वो सुसाइड कर लेगा। क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, बहुत पेनफुल बीमारियां हैं, उस वक्त अभी इसमें से कोई छुटकारा होने वाला है नहीं, तो फिर आदमी सुसाइड कर लेता है। प्रायोपवेशन रहता है, मतलब अभी उसको मालूम है कि अभी अपने को ये लोग की यात्रा जो अभी ख़त्म करने की है, स्पेशली कुछ धर्मों में, जैन धर्मों में लोग प्रायोपवेशन करते हैं, मतलब अभी खाना पीना बंद कर देना और धीरे 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 सुसाइड करना, उसको बहुत ही रिलीजियस कलरिंग दिया हुआ है, इसलिए वो सुसाइड नहीं बोल सकते, उसको बोलते कि अभी जीवन यात्रा ख़त्म हो गई, अभी बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म करना है और आगे की यात्रा के लिए निकलना है, वगैरह वगैरह। तो वो भी एक होता है कि जिसमें लोग सुसाइड करते हैं, एक्चुअली एक प्रकार का वो सुसाइड ही है। अभी इसमें क्या होता है कि सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्पर ऑफ द मोमेंट है, स्पर ऑफ द मोमेंट एकाएक आ गए, उस समय यदि वो किसी से बात करता है, कोई अपने फीलिंग्स किसी के साथ में वेंटिलेट करता है, बोल देता है, मन में बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, कन्फ्यूजन है, वो निकाल देता है, उसको सामने वाला आदमी सुन लेता है, सिर्फ सुनना है, कोई सॉल्यूशन देना नहीं, उस वक्त है चलो किसी ने तभी मेरा दुख सुन लिया है, समझ लिया है, तो सुसाइड टल सकता है। इसलिए सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर जो है उनका रोल बहुत महत्व का है। वो लोगों ने, मतलब ये सेंटर्स है, वो अपने अपने नंबर्स दे के रखते हैं, ऐसा किसी को कुछ लगता है कि नहीं भाई मुझे सुसाइड के विचार आ रहे, वो कॉल करता है और कोई आदमी कॉल उठा लेता है, सुन लेता है, तो वो डेफिनेटली सुसाइड टल सकता है। क्योंकि सुसाइड ये स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, बाद में उसको पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो 75-80% लोग ऐसा बोलते, पता नहीं उस समय मैंने ऐसा क्यों किया, मालूम नहीं उस समय विचार आया और मैंने कोशिश किया। हो सकता है कि शायद वो कुछ बोल देता, वेंटिलेट कर देता अपने फीलिंग्स, कोई सुनने वाला उसको रहता था तो वो उसका मन हल्का करता था, इमोशंस हल्के हो जाते थे और उससे कुछ ना कुछ रास्ता मिलता था। तो ये होना बहुत जरूरी है कि सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर जितने ज़्यादा मात्रा में लोगों के नाम, लोगों को मालूम है, नंबर मालूम है कि भैया मेरे को सुनने वाला है, क्योंकि आजकल किसी का कोई सुनने वाला है नहीं, सब लोग बहुत ही बिजी है, हर आदमी बोलता है कि मेरी आवाज़ सुनो, मैं जो बोलूँगा वही करो, तो फिर उसमें होता है कि सुनने वाला कोई है नहीं, टेंशन तो बढ़ते जा रहा है, रास्ता दिख नहीं रहा है, चलो यहाँ से निकल जाओ, ऐसा हो जाता है। इसके अलावा, डिप्रेशन के अलावा काफ़ी सारी मानसिक बीमारियाँ जो होती है उसमें भी व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, जैसे स्किजोफ्रेनिया है कि जिसमें उसको आवाज़ें कान में आती है, मर जा मर जा मर जा, तेरा पीछा कोई कर रहा है, तेरे को कोई मारेगा काटेगा, इससे वो जाके सुसाइड कर लेगा। कुछ लोग थ्रेट देते हैं और गलती से उनका सुसाइड हो जाता है, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम रहता है, तो वो थ्रेट देते हैं और गलती से सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जिनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट थेरेपी दे सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक है, CBT, उसका भी वापर इसके लिए किया जाता है। हिप्नोथेरेपी का वापर किया जाता है जिससे उनको काफ़ी सहायता मिलती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट यदि डिप्रेशन में है तो उसको एंटी डिप्रेशन की मात्राएं देते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा वो अग्रेसिवली कोशिश कर रहा है मरने की, मतलब वो बार बार भाग रहा है, तो फिर हम उसको रेस्ट्रेन कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी ECT शॉक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। मेरे ऐसी सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो संस्थाएं हैं, कि जो संस्थाएं लोगों को सपोर्ट करने को तैयार हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि वो संस्थाएं लोगों के लिए खड़ी है, लोगों की जान बच सकती है और लोग फिर से खड़े हो सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट बोलती नहीं हम उनको मदद करेंगे, 50,000 रुपये देंगे, 1,00,000 रुपये देंगे किसानों को, उससे होता कुछ नहीं है। 50,000 देंगे, 1,00,000 रुपये देंगे, कर्जा माफ़ कर दिया, आगे क्या, फिर से वो 1,00,000 का कर्जा कर देता है। हमको करना पड़ेगा ये लोगों को शक्तिशाली बनाने का कार्यक्रम, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाना, लोगों को शक्तिशाली बनाना, पावरफुल बनाना, कैपेबल एबल बनाना, ताकि ज़िंदगी में जो भी कंडीशन आती है, जो भी कठिनाई आती है,
उसका और सामना कर सके। तो उसके लिए उनके लिए हम सपोर्टिव साइकोथेरेपीज, टॉकिंग थेरेपी, सीबीटीज ऐसे अलग अलग उपचार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।